पेज नंबर 94. सो स्टूडेंट्स आई एम स्टार्टिंग विद अ पैराग्राफ फ्रॉम मुंबई अप टू इंडिया एट पेज नंबर 94. नाउ मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया. मुंबई भारत के महत्वपूर्ण बड़े महानगरों में से एक है. इट इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. सिचुएटेड मीन्स स्थित है. ये स्थित है ऑन द वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी समुद्री तट पर ऑफ इंडिया यानी भारत के एंड फेसेस द अरेबियन सी. और अरेबियन सी को ये फेस करता है यानी अरब सागर को. सॉरी इट वॉज अर्लियर नोन एज बॉम्बे. इसको पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था. अब इसको मुंबई बोलते हैं, पहले इसको बॉम्बे बोला जाता था. सम पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया लिव इन दिस सिटी. पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स सॉरी विभिन्न राज्यों के लोग भारत के विभिन्न राज्यों के लोग लिव इन दिस सिटी. इस शहर में रहते हैं. अलग अलग राज्यों से लोग आकर के यहाँ पर रहते हैं. मोस्ट ऑफ देम स्पीक द लैंग्वेजेस ऑफ देयर स्टेट. और उनमें से अधिकांश लोग अपने ही राज्य की लैंग्वेज बोलते हैं. मराठी इज वाइडली स्पोकन इन मुंबई. मराठी यहाँ की लैंग्वेज है तो मुंबई में बोली जाती है. तो मराठी भाषा ही मोस्टली जो है वो मुंबई में बोली जाती है. इंग्लिश हिंदी कोंकणी आर ऑल्सो स्पोकन. और यहाँ पर इंग्लिश हिंदी और कोंकणी लैंग्वेजेस भी बोली जाती है. Now next paragraph, students. Mumbai is the capital city of the Maharashtra state. यानि मुंबई जो है वो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है. All the important offices of the state government, केंद्रीय सरकार sorry राज्य सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण कार्यालय हैं are located here. यहीं पर स्थित है. Located means स्थित है. The governor, the chief minister, यानी राज्यपाल मुख्यमंत्री एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स और राज्य के अन्य मंत्री एंड सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स और कुछ वरिष्ठ सरकारी अधिकारी लिव एंड वर्क हियर. यहाँ पर रहते हैं और कार्य करते हैं. इट इज वन ऑफ द मोस्ट अर्बनाइज्ड मेट्रोपॉलिसिस ऑफ इंडिया. ये भारत के सबसे विशाल जहाँ की जनसंख्या है ऐसे महानगरों में से एक है. सो स्टूडेंट्स नाउ आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम द सिटी एंड इट्स इकोनॉमी एट पेज नंबर